नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आप लोगों को डिविजिबिलिटी ऑफ रूल या भाजकता का नियम बताने वाले हैं। दोस्तों यह नियम पूरी मैथमेटिक्स में यूज होता है, क्योंकि जब हमसे कोई किसी संख्या से भाग देने को बोल देता है या हमसे कह देता है कि 2, 6, 3, 9 में समथिंग में 4 से भाग दीजिए, तो दोस्तों हम करते क्या हैं कि इसको पूरे में भाग देना स्टार्ट कर देते हैं 2, 6, 9, 3, 9 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर, जो कि दोस्तों बहुत ही लेंथी हो जाता है। आज के बाद इस तरीके से भाग आपको देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ शॉर्ट चीजें बताने वाला हूं, उन्हें अगर आप याद रखेंगे तो पूरी मैथमेटिक्स में कोई भी संख्या को बड़ी आसानी से डिवाइड कर लेंगे और बड़ी आसानी से काट लेंगे। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ रूल। तो इसको दोस्तों इस तरह से नहीं करना है। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ रूल क्या है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट्स ले रहा हूं या अंक ले रहा हूं जिनकी वजह से समस्या होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 समथिंग दिए गए हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने सीख लिए तो जितने भी और बचते हैं वो बड़े आसानी से हल हो जाते हैं। दोस्तों आइए ध्यान से, बस मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूं कि कंप्लीट वीडियो देखा करिए, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ में तब तक दोस्तों फिर मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा नहीं आएगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट पूरा समझना है तो वीडियो लास्ट तक देखना है। आइए देखते हैं कि दोस्तों जीरो, सबसे पहले मैं आपको जीरो की डिविजिबिलिटी बताता हूं, भाजकता का नियम। तो दोस्तों जीरो की जो डिविजिबिलिटी होती है, किसी संख्या को, किसी जीरो को यदि किसी संख्या से भाग देंगे तो वो मान हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यदि किसी संख्या को x फॉर एनी नंबर, कोई भी संख्या हो सकती है क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है, तो अब यहां पर जीरो से जब भाग देते हैं तो वो मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो दोस्तों जब कभी किसी संख्या को हम भाग देंगे, मान लीजिए जीरो में हम 4 से भाग देंगे तो वैल्यू हमारी जीरो आएगी, और यदि 4 को कभी जीरो से भाग देना पड़े तो फिर वो हमारा इनफाइनाइट आएगा, क्लियर। तो दोस्तों जीरो की डिविजिबिलिटी हो गई। अब जरा देखते हैं 1 की डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों 1 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है, कहती है कि जब किसी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो वैल्यू के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि x का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने मान लीजिए 4 को भाग दिया 1 से, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है, वैल्यू के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यदि 1 को कभी किसी संख्या से भाग देना पड़े, 1 को कभी किसी संख्या से भाग देना पड़े तो या तो ये हमारा 1 होगा या हमारा दशमलव के बाद बाई जेड कुछ भी आएगा। क्यों दोस्तों, यदि x का मान हमारा 1 है तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, और x का मान यदि 2 है तो फिर पॉइंट में मान आना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी आ सकता है, बाई जेड पी क्यू आर समथिंग, क्लियर। तो दोस्तों हमने दो चीज सीख ली, जीरो की डिविजिबिलिटी और 1 की डिविजिबिलिटी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो इसको थोड़ा वेट देते हैं प्लेस बनाने के लिए। तो दोस्तों अब ध्यान से देखें कि 2 की डिविजिबिलिटी, अब हम आपको बताने चल रहे हैं 2 की डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं में संख्याओं का अंतिम अंक एक सम संख्या हो या इकाई अंक एक सम संख्या हो, वो संख्या सदैव 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में हमें नाम को बता दे रहे हैं, जैसे यहां देख लीजिए हमने यहां कर दिया 2, 5, 0। दोस्तों यहां पर क्या है, इकाई है, 0 है, और 0 एक सम संख्या होती है, 0 एक सम संख्या होती है, ये संख्या 2 से बड़े आसानी से डिवाइड हो जाएगी। एक और ले लेते हैं 3, 5, 4, देखिए यह हमें अंतिम पद कितना है, 4 है, ये भी 2 से हमारी आसानी से डिवाइड हो जाएगी। और ले लीजिए जैसे मैंने कर दिया 6, 2, 8, तो यहां पर दोस्तों कितना है, 8, तो ये भी हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्लियर। तो 2 से संख्या कौन सी कटेगी, किसी भी दी गई संख्याओं का केवल अंतिम अंक देखिए या इकाई अंक देखिए, यदि वो एक सम संख्या है तो वो संख्या सदैव, पूरी संख्या सदैव 2 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। तो अब यहां 3 को मैं
भी छोड़ रहा हूं क्योंकि तीन में थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें हैं। अब चार की डिफिकल्टी क्या है, दी गई संख्याओं के, कोई भी संख्या दी गई है, दी गई संख्याओं के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक यदि चार से कट जाए तो वो संख्या सदैव चार से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हमको क्या देखना है, सिर्फ हमको इसमें अंतिम दो पद में भाग देना है, अंतिम दो पद में देखिए 52 में भाग देना है। तो अगर चार को चार चट्टी हमारा कट रहा है, ये संख्या चार से कटेगी। 2016 लिखा हुआ है, केवल हमें 16 में भाग देना है, यदि 16 कट गया पूरा पूरा तो ये पूरी संख्या अवश्य कट जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 64 में किससे भाग देना है, केवल 4 से भाग देना है, यदि ये संख्या कट गई तो ये पूरी संख्या 4 से अवश्य कट जाएगी। तो हमें 4 की डिविजिबिलिटी कैसे प्रूव करना है, दी गई संख्याओं के केवल अंतिम दो अंकों में भाग देना है, अगर अंतिम दो अंक कट गए तो वो संख्या 2 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों देख लेते हैं 8 की डिविजिबिलिटी, अभी मैं इसको छोड़ूंगा, 8 की डिविजिबिलिटी क्योंकि ये एक फैमिली में आते हैं, आपस में मिलते जुलते होते हैं, इसलिए हमने इनको एक साथ लिया। जैसे देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी, दी गई संख्याओं के अंतिम तीन अंक, अंतिम तीन अंक या तो शून्य हो, या तो शून्य हो, या 8 से कटने योग हो, या 8 के गुणज हो, ऐसे भी कह सकते हैं 8 के गुणज हो। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अंतिम तीन अंक यहां पर क्या है, शून्य है, तो ये अवश्य कटेगा। क्यों, 8 क्या है, 2 × 4 × 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 8, ये अवश्य कट जाएगी। काट के देख लीजिएगा, अंतिम तीन अंक यदि 8 से कट जाए वो संख्या सदैव 8 से विभाजित हो जाएगी। तो जब भी 8 की डिविजिबिलिटी आ जाए तो हमें दोस्तों क्या करना है, सिर्फ अंतिम तीन अंक में ही भाग देना है, अगर वो संख्या कट गई तो ये पूरी कट जाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। अब दोस्तों देखते हैं 16, 16 किससे बना, 2 × 4 × 8 × 16, 2 का ही तो फैक्टर है। आप जरा देखिए 16, तो दी गई संख्याओं के अंतिम चार अंक यदि 16 से कट जाएं, अंतिम चार अंक यदि 16 से कट जाएं वो संख्या अवश्य विभाजित होगी। तो अंतिम चार अंक में केवल भाग देना है और सभी नहीं देना है, केवल अंतिम चार अंक यदि 16 से कट जाएं वो संख्या 16 से अवश्य कट जाएगी। तो दोस्तों ये इसमें हमने आपको क्या बता दिए, 16 बता दिए। अब दोस्तों जो इसमें बचे हुए हैं अब उनको देख लीजिए, अब हम नेक्स्ट जो जो बचे हैं, सीक्वेंस इधर पर हो रहा है बट आपको समझने में आसानी हो, मैं इसलिए सीक्वेंस को अलग कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा तभी इन सभी के बारे में आपको समझ में आएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, आइए दोस्तों देख लेते हैं, अब हम 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों 3 और 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, देखिए दी गई संख्याओं के अंकों का योग, दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 तथा 9 से कट जाए, 3 से कट जाए 3 के कांसेप्ट में और 9 से कट जाए तो 9 से, तो दी गई संख्याओं के अंकों का योग, जैसे हमको संख्या दी गई है 1881, तो क्या ये 9 से कटेगी या 3 से कटेगी, तो दोस्तों क्या करना है, इनका एडिशन करना है। तो 1 + 8 + something 18 हुआ, अब देखिए 18 हमारी क्या होगी, 3 से भी कट जाएगी और 18 हमारी 9 से भी कट जाएगी। जैसे ये संख्या दी गई है और पूछ लेगा क्या ये 3 से कटेगी या पूछ लेगा ये 9 से कटेगी, तो आप क्या करेंगे, इनका एडिशन कर दीजिए। तो आपस में जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। अब देखिए 27 हमारी क्या हो जा रही है, 3 से भी कट जा रही है और ये हमारी 9 से भी कट जा रही है। क्लियर, दी गई संख्याओं का अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो संख्या 9 से अवश्य कटेगी, 3 से कट जाए तो 3 से अवश्य कटेगी। बट यहाँ पर कुछ अपवाद हैं दोस्तों, इन्हें जरा चेक कर लीजिएगा क्योंकि नियम तो दोनों का एक ही होता है लेकिन कुछ अपवाद हैं। जैसे यहाँ देखेंगे 65841 = 24, अब इनका एडिशन 24 आ गया, तो देखिए ये 24 है तो ये 3 से तो कटेगा बट हमारा 9 से नहीं कटेगा। क्लियर, तो ये यहाँ पर कुछ अपवाद है तो ये चीज आप चेक जरूर कर लें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। यहाँ देखेंगे 1743, तो यहाँ पर कितना 15 है, ये हमारा 3 से तो डिवाइड है बट हमारा 9 से डिवाइड नहीं है। क्लियर, क्योंकि हम जानते हैं कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कटेगी, फिर हम जानते हैं दी गई संख्याओं का योग यदि 9 से कट जाए तो वो कटेगी। तो हम यहां पर चेक जरूर कर लें, ये
का भी नौ। अब चलते हैं पांच पे, तो पांच से कोई संख्या कब कटेगी, जब उसका इकाई का अंतिम अंक, इकाई अंक या अंतिम अंक या तो जीरो हो या पांच हो। तो देखते हैं, जैसे हमने कर दिया 20 ये जरूर कट जाएगी, फिर हमने कर दिया 25 ये पांच अंतिम, या तो अंतिम अंक जीरो हो या अंतिम अंक पांच हो। फिर हम जैसे यहां करते हैं 2575, तो यहां पर क्या है पांच, तो ये सभी संख्या अवश्य कटेगी, या तो अंतिम पद जीरो हो या अंतिम पद पांच हो, वो संख्या पांच से अवश्य विभाजित होगी। अब दोस्तों देखते हैं, पांच में हमने दिखा दिया, अब हम दिखाते हैं 10। तो 10 क्या है, दी गई संख्याओं के अंतिम अंक यदि शून्य है तो वो संख्या 10 से अवश्य कट जाएगी। जैसे यहां देखेंगे 102 अंतिम अंक 0 है, 10 से पूरी कट जाएगी। फिर यहां पर 260 अंतिम है, पूरी कट जाएगी। फिर यहां पर 760 है, पूरी जरूर कट जाएगी। तो 10 से वही संख्या कटेगी जिसके इकाई का अंक या अंतिम अंक एक शून्य संख्या है या 0 है, वो संख्या 10 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों अब इसके बाद हमने आपको 6 की दिखा देता हूं, कि यहां देखिए 6 का थोड़ा यहां से स्टार्ट किया हूं कि 6 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या है कि 6 देखिए बनता किससे है, 2×3 से बनता है। तो 6 से काटने से पहले वो संख्या 2 से कट जाएगी, वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो दोस्तों क्या है, यदि वह संख्या 2 तथा 3 दोनों से भाज्य हो तो वो संख्या हमारी 6 से बस विभाजित होगी। जैसे यहां देखते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, इफ शुड बी इन एन नंबर इवन, ये क्या होगा, 2 से कभी कटेगी जब इवन नंबर होगा, 2 से कभी कटेगी जब इवन नंबर होगा, 2 से कभी कटेगी जब इवन नंबर होगा। तो ये 2 से कट रही है, अब 3 से क्या होगा कि जब उनका योग कट जाए तो 6 तो 8 वे 9, ये 6 से कट जाएगी। काट के देख लीजिए, क्या देखेंगे इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगी, 3 से काटने के लिए 2 1 3 ये भी क्या हो जाएगी 6 से कट जाएगी। काट के देख लीजिए, यहां पर देखेंगे 120 तो इवन नंबर है, दोनों तुलना में 3 ये देखिए 3 से भी कट जाएगी। इसका मतलब क्या है, 6 दूनी 12 6 से भी कट जाएगी। क्लियर, तो 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 तथा 3 दोनों से कट जाए, वो संख्या हमारी 6 से अवश्य विभाजित होगी। अब दोस्तों हमारे पास जो बचे हैं वो कुछ ही पॉइंट बचे, जैसे हमारे पास 7 बचा, 11 बचा, 13 बचा, 17 बचा और 19 बचा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, आइए 11 की वजह का, आइए दोस्तों 11 की डिविजिबिलिटी और देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, दी गई संख्याओं के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर या तो शून्य हो जाए या 11 का गुणज हो, या तो शून्य हो या तो 11 का गुणज हो या 11 से कटने योग हो। तो दोस्तों आइए एग्जांपल देख के बताते हैं, जैसे क्या है सम स्थान और क्या है विषम स्थान। दोस्तों हमेशा हमारे यहाँ दशमिक प्रणाली सिस्टम को राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर दीजिए। क्लियर, अब देखो सम संख्या कौन सी है, ये सम, ये सम, ये सम, तो सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थानों के इधर क्या है, पहले 5 है, फिर कितना है 1 है, फिर यहाँ पर 6 की जगह 3 है। सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, एक क्या है विषम है, 3 क्या है विषम है, 5 क्या है विषम है, और इसके ऊपर कितना है 2, फिर यहाँ 3 के ऊपर क्या है 0, फिर 5 के ऊपर क्या है 6, फिर दोस्तों 7 के ऊपर क्या है 1, विषम स्थानों का योग या तो शून्य हो या तो 11 का गुणज हो। तो यहाँ देखेंगे 5, 3, 8, 1, 9 माइनस यहाँ पर 6, 7, 8, 9 इक्वल टू कितना 0, या तो शून्य हो जाए या 11 का गुणज हो। दोस्तों ये संख्या हमारी 11 से पूर्णतः क्या होगी, डिवाइड होगी। एक तरीका और है, वैसे भी देख लो कुछ लोग अल्टरनेट करके ले लेते हैं कि पहले इसको फिर ये और फिर ये। तो दोस्तों ये हो गया, अब बचेगा कौन, ये फिर ये फिर ये, तो भी आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखो इसी नियम से लगा लेते हैं, जैसे यहां चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये फिर यहां से ये, अब तो इधर कुछ है नहीं। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 7 प्लस 4 और प्लस 2 हो गया, अब माइनस माइनस
बड़ा जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे, माइनस नहीं लेंगे, जो मान बड़ा होगा सम स्थानों के अंकों का योग बड़ा होगा तो उसमें से घटाएंगे, विषम स्थानों का योग बड़ा होगा तो उसमें से घटाएंगे। अब यहां पर इससे ये फिर ये फिर ये तो 5 3 8 5 3 10 कितना हो जाएगा 5 3 5 घटा दीजिए तो यहां पर 7 4 11 12 13 तो यहां पर कितना हो गया 13, यहां पर देखिए 5 5 10 3 कितना हो गया 13 इक्वल टू कितना 0, या तो 0 हो जाए या तो 11 से कटने योग हो जाए, तो ये संख्या भी 11 से क्या होगी पूर्णतः डिवाइड होगी। तो दोस्तों अब इतना करने के बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बचे हुए हैं, जैसे इसका मैंने इसी पर इसी वीडियो में बता दिया है कि ये हमारे इंपॉर्टेंट थे। अब दोस्तों जैसे हमारा बचा है 7 13 17 19, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाने के कारण मैं दोस्तों इसको दूसरे वीडियो में बता रहा हूं, आप वो वीडियो भी देख लीजिए, सेकंड वीडियो देखिए जिसमें हमारा 7 13 17 और 19 बता रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैं आपसे यही मांगता हूं कि लाइक करिए शेयर करिए, अगर अच्छा लगा हो तो उतने ही जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा और इसका सेकंड वीडियो आप देखिए तो आपको ये कंप्लीट डिविजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।